या कोई पूछेगा? मैं पूछ रही हूँ। या आई थिंक फोटोज कैसा लग रहा है एजुकेशन ऑफ ऑनेस्टली चिड़ियाखाना टाइटल से मुझे बिल्कुल वो चिड़ियाखाना जैसा हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, बट नॉट एग्जैक्टली इट्स चिड़ियाखाना, इट्स मोर देन दैट। एंड ये 110% एंटरटेनिंग फिल्म है, एज पे बैठ के मैंने देखी है। और इस मूवी की ख़ास बात यह है कि प्रशांत नारायण लेजेंड नामदेव जी, गोविंद नामदेव जी और यू नो रवि किशन जी, राजेश्वरी जी और प्रशांत तिवारी जी हिमसेल्फ इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर। उनकी ये क्राफ्टिंग, जब मैं सोच के गया था कि कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, 110% इन लेजेंडरी एक्टर्स के बीच ये यंगस्टर्स, इन लोगों ने तो फिल्म तोड़ दी है। और ऐसी बैटिंग की, बैटिंग नहीं, फुटबॉल गेम यार, व्हाट अ गेम यू प्ले। थैंक यू ऋतिक, नो वंडर यू सरप्राइज्ड क्राफ्टमैन एक्टर्स। एंड ये फिल्म कमाल के स्टैंड आउट होने वाली है। ऑल द वेरी बेस्ट टीम। थैंक यू सो मच। एंड ऋतिक, थैंक यू सर। हाँ यार, आपको भी जानवर दिख रहे हैं। बट ये क्यों है इनके पीछे, ये फिल्म आपको देखनी पड़ेगी। एंड 110% इज गोइंग टू गिव यू 100% एंटरटेनमेंट फुल ऑन। चीयर्स गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। या फील्स अमेजिंग, मतलब इसीलिए काम करते हैं कि एंड में जाके लोग देखें और यू नो बताएं उन्हें कैसे लगे। चलो ठीक है, आई एम ग्लैड इट्स स्टिल द सेम, बट बहुत मज़ा आया इतने सारे लोगों के साथ देखने में। अभी इससे पहले मैंने एक ही बार देखी थी, बट वो भी अकेले देखी थी और कुछ लोगों के साथ। बट आज ऑडियंस आई है, नवीन सर आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं देखने और सबके चेहरे पे स्माइल देख के अच्छा लग रहा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। 2 जून को फिल्म आ रही है थिएटर्स में, प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आप जाइए देखिए थोड़ा समय निकाल के। थैंक यू, थैंक यू। और ये रिपीट वैल्यू है इस फिल्म को। हाँ जी, हाँ जी, 100%। हाँ जी, चीयर्स। थैंक यू, थैंक यू। कैसा लग रहा है फिल्म? बहुत ही अमेजिंग। ऋत्विक को मैं पहले से देखते आ रहा हूँ, पहली बार मिला हूँ, बट ऋत्विक बहुत अच्छा परफॉर्मर है और हर हमेशा एक नए कैरेक्टर के साथ प्ले करता है। ये वाली फिल्म तो बहुत ही अमेजिंग है। मुझे लगता है ये दोनों के लिए है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। बहुत बैलेंस किया गया है ऐसे कि दोनों कैटेगरी में लोग देख सकते हैं। और प्रशांत सर हैं, वो तो शुरू से ही लेजेंड है और उनकी परफॉर्म के बारे में क्या ही बोले, उनके लिए तो शब्द ही नहीं है। और एक नया कैरेक्टर फिर देखने को मिला प्रशांत सर के लिए भी, तो बहुत ही अमेजिंग फिल्म है। सब लोग देखें और मुझे तो लगता है इसे अवार्ड भी मिलना चाहिए इस फिल्म को। मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी दुआएं। थैंक यू, ऐसे ही काम करते रहें। ऋत्विक का लास्ट का जो जब गोल करता है, वो धड़कन ऐसी रुक गई थी कि वो गोल होगा कि नहीं होगा, और क्या सरप्राइज था। अमेजिंग, अमेजिंग सॉन्ग। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज ऑन द 2 जून जरूर जरूर सब लोग देखें। और हर एक इंसान के लिए फिल्म है, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, सबके लिए। बहुत सिनेमाज में आइए देखिए, जरूर देखिए आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू। भाई मेरे हिसाब से तो बहुत कमाल की फिल्म है। आज जब बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, लेकिन ऐसी रॉ और रियल फिल्म जो आपको कनेक्ट करती है ह्यूमन लेवल पे, ऐसी है चिड़ियाखाना है। और मैं वाकई में बहुत खुश हूँ कि इतनी अच्छी फिल्म का मैं हिस्सा हूँ। भले ही छोटा किरदार है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट था। एंड आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म। थैंक यू सो मच। आई रियली एंजॉयड वॉचिंग द फिल्म। बच्चों की पिक्चर है, स्पोर्ट्स की पिक्चर है। इंसिडेंटली द वर्क दैट आई डू नाउ इज ऑल्सो रिलेटेड विद चिल्ड्रन एंड विद स्पोर्ट्स। सो आई फेल्ट दैट मैं ये बोल चुकी हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बच्चों के लिए खेल का मैदान हो और प्ले को प्रायोरिटाइज किया जाए, स्पेशली इन द एजुकेशन सिस्टम। सो आई थॉट दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। And the performances were really, really good. So I totally enjoyed watching the film. It's a sweet film. And I hope everybody goes and watches it in the cinemas on 2nd. Some scene or something that you
or any particular moment that you really loved about Chidiya Khanna? I liked when he says thappad khayegi. When she says something sweet and he says thappad khayegi. So I thought that was very cute. Thank you so much. Thank you. कैसा लगा आपको चिड़िया खाना? बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी फिल्म है और स्पोर्ट्स पे इतनी इतने कन्विक्शन के साथ फिल्म बनाई है कि मतलब जब आप फुटबॉल देखते हो बच्चों का तो आपको लगता ही नहीं है कि कहीं से कोई ट्रिक की है या किसी और तरीके से बनाया, मतलब फुटबॉल इतना कन्विंसिंग तरीके से मैंने नहीं देखा और बहुत ही डेयरिंग स्टेप है मनीष भाई का जिस तरह की कहानी उन्होंने रची है और इस तरह से आई होप कि हमारे जो देश में फुटबॉल को और बढ़ावा मिलेगा, उसको चाहने वालों का और बढ़ावा मिलेगा। अभी तक तो हम सिर्फ दर्शक ही बने हुए हैं वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन इस फिल्म से एक आशा जगती है हमारे यहाँ फुटबॉल खेलने का जज्बा और पैदा करने के लिए और जो उसके चाहने वाले हैं उनको देखने के लिए। आप फुटबॉल खेलते हो? जी मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं दो बार स्कूल चैंपियन रहा हूँ, जोनल चैंपियन रहे हैं हम लोग, तो हमारा भी तो मैं काफ़ी कनेक्ट करता हूँ इस फिल्म से क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल के प्लेयर थे तो हमें कई जो वहाँ के जो कॉन्वेंट स्कूल और बड़े स्कूल थे उनके बच्चों के साथ खेलना पड़ता था और सेम स्टोरी होती थी कि हमारी हाइट कम थी और उनकी बड़ी बड़ी। मुझे बच्चों का किसी बच्चे से दिक्कत नहीं है, चाहे वो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, मतलब बात यह है कि जो जज्बा है, जो जो गरीब लोगों में जो जज्बा है, उस जज्बे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन मिलनी चाहिए जो इस फिल्म में दर्शाया गया है, तो मैं इस फिल्म को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहूँगा। मनीष जी आपको कैसे लग रहा है दीपक जी आज आपके साथ हैं, वो भी फुटबॉलर हैं? हाँ, मतलब अंतर ये है कि मैं फुटबॉलर नहीं था, मुझे फुटबॉल की फैंटेसीज थी, मैं बोर्डिंग स्कूल में था, देखता था कि फुटबॉल खेली जाती है तो वो डाला है। थैंक यू दीपक जी फॉर सो मच ऑफ सपोर्ट। नहीं नहीं बहुत बढ़िया, बहुत खुशी, बहुत प्यारी फिल्म। जी मैं सब लोगों से कहूँगा इस फिल्म को ज़रूर देखें, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए अगर, और हर एक जो मैं भी पेरेंट हूँ अभी, मतलब है ना, तो मेरा बच्चा भी फुटबॉल खेलता है बहुत अच्छा, तो मैं उसके पूरे ग्रुप को जितना भी है 41st से लेके जितने भी फुटबॉल क्लब हैं हमारे मुंबई में, मैं उन सब के कोचेस को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आएँ और इस फिल्म को देखें, आप रिलेट करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू प्लीज़ सर, 2 मिनट एक फ़ोटो कर लेते हैं, आइए ना। थैंक यू सो मच। 1 मिनट ना। कम थोड़ा अंदर आ जाइए। थैंक यू दीपक सर। थैंक यू। बिकॉज आई थिंक रवि जी से बात हुई थी तो ये था कि थैंक यू बाबू। एक दो साल में काम शाम में चिड़िया खाना 2 में यहाँ से सेटल इन दैट। थैंक यू। ओके थैंक यू। थैंक यू। बाय। फुटबॉल कोचिंग की बहुत तारीफ की जा रही है तो कैसा लग रहा है आपको? अभी ये दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डू, सो आई गेस यू नो फुटबॉल की भी तारीफ हो रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के, यू नो, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मेरे फुटबॉल कोचिंग स्किल से ज़्यादा फिल्म की तारीफ हो, और मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ कि जितने भी लोग आए यहाँ पे फिल्म देखने के लिए उनको सभी को फिल्म बहुत अच्छी लगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यू नो आपके दोस्त लोग जो आपको कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं वो लोग एकदम खुल के तारीफ़ करके गए आपकी, जो ये वही लोग हैं जो आपको गाली भी दे सकते थे लेकिन उन्होंने बहुत दिल से बहुत खुल के इस फिल्म को एंजॉय किया एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दिस फिल्म, इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू गो एंड वॉच दिस मूवी, इट्स रिलीजिंग ऑन द 2nd of June एंड आई प्रॉमिस यू इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एंजॉयबल फेयर। Saying something about him, I want to join him and tell him that. अच्छा, क्या बोलने वाला तू?
प्रशांत नारायणन का मैं दिल से फ़ैन हूँ और मर्डर टू लोगों के लिए इनका इंट्रोडक्शन है, लेकिन उसके पहले हमने एक फिल्म की थी, बदकिस्मती से वो मीडिया तक नहीं आ पाई, लेकिन आज यार इतना कॉम्प्लेक्स मत दो आर्टिस्टों को यार, क्या आपके सामने रहते बेचारे बच्चे डर जाएंगे। नहीं यार, मेरे तो कोई भी ऐसा लड़का नहीं था यार जो जिनको मेरे से कोई तकलीफ हुई हो फिल्म के दौरान। नहीं, फिल्म के दौरान नहीं, जब भी स्क्रीन पे प्रशांत नारायण आते हैं वो मतलब आर्टिस्टों की भूख मिटा देते हैं, जो इनसे एक्सपेक्टेड होता है वही करते हैं, और कमाल, मैंने कमाल देखा इस फिल्म में भी। वेरी गुड। और तिवारी साहब, यू आर वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर, सो थैंक यू फॉर दिस मूवी सीरियसली। तिवारी सर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स एंड ये फिल्म कमाल की फिल्म है। मैंने जैसे दिल दोस्ती इटीसी वो फिल्म भी मैंने दो दो तीन तीन बार देखी है, एंड उस फिल्म में भी आई थिंक श्रेयस और उनको आपने इतने कमाल के क्राफ्ट में आपने यूज़ किया, इसक देखी, फिर ये देखी सर, सारी टीम को बहुत बहुत बधाई, एंड इट्स जस्ट डेफिनेटली एन अवार्ड विनिंग फिल्म। थैंक यू नवीन, ऑल द वेरी बेस्ट टीम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यस, यस, बाय। आर वी डन? थैंक यू। बिफोर, अभी आज पहली बार आए, कुछ रैप करके बता दो हमारे फिल्म के बारे में, कैसे लगी आपको आपकी पिक्चर? बहुत मस्त लगी हमको तो, मज़ा आ गया देख के, इतने साल बाद देखा, बहुत मज़ा आया। क्या करना है, रैप करना है क्या? हाँ, मेरा करूँ क्या मूवी का? मूवी का कुछ कर सकते हैं फिल्म के बारे में, चिड़िया खाना सुना ही देना चाहिए। हाँ, मूवी का ही कर नफरत ही हो जाएगा खुद से खुद को, ओनली प्यार आधी पीस देना यार, हेडेक से निकालते हेडेकेट वाले यार, आधी आप में भी हाजिर मेरे खातिर, परिवार वाले मेंबर ना कोई बाहर वाले क्या, हाँ घर पे जाना भी जरूरी, आई कर रेली वेट पर अपनी आदतें भी पहले जैसी हरदम करते लेट, और हमेशा कोशिश जारी अपनी खुद को देखने के, वो जो भी है बस मेहनत जिससे नौकर बनते सेट, अपन जिधर जाते साथ हो स्वाद, कला की कदर करते अपन साथ बहुत हार्ड, चला दो बत्ती अभी पॉजिटिव, वाइट कोल्ड डाल और खुद को रख के आगे नेगी वाइट फ्रूट डाल, ये दैट्स व्हाई ये है भाई, ये सॉरी yeah, so I've done a song for this movie. It's an amazing sports movie, first of all. So this song is about the, you know, enjoying a sport, and you know about the power that you get when you play on the field. So it's an amazing song called Le Baleya, rap version. I'll sing the hook of the song. चिड़िया खाना ये खेल है, मस्ती में खेले जमाना, हाँ चिड़िया खाना या जंगल के राजा, हाँ शेर बुलाना, ए मारे जो गोल तो दुनिया है पैरों में, छोटे इलाके के फेमस शहरों में, गुरु का हाथ और लौंड का साथ, जो मिला उजाला अंधेरों में, ए पैरों में ताकत है, लाते हम आफत है, भिड़े जो हम चाशी त्यासा डी घातक है, शेर के शेर हम पे खेल खेते थे अंडर डॉग, मेहनत और माँ की इबादत है क्या, लेट्स गो। अभी इतने अच्छे अच्छे रैप तो आप लोगों ने सुनी लिए, अब फिल्म कितनी अच्छी होगी ये आप सोच ही सकते हैं, अगर रैप इतने अच्छे हैं तो फिल्म तो उससे भी अच्छी है, तो प्लीज़ आइए और हमारी फिल्म देखिए 2 जून से चिड़ियाखाना इन थिएटर्स नियर यू। थैंक यू।